क्रिस्पी भी है, चीज़ी भी है, स्पाइसी भी है और बहुत ही टेस्टी भी है। तो आज हम ये बहुत ही नई और एकदम ही अलग टोस्ट की रेसिपी देखने वाले हैं, जिसको हम दो तरीकों से बनाने वाले हैं। एक हम इसको ओवन में बनाएंगे और दूसरा हम ये देखने वाले हैं कि आप इसको एक तवे के ऊपर या फिर एक पैन के ऊपर इसको आसानी से कैसे बना सकते हो। और इसको तवे के ऊपर बनाने के बावजूद भी ये खाने में उतना ही क्रिस्पी रहेगा और साथ ही साथ उसका जो चीज़ है ना वो भी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और अगर इस टोस्ट को देखकर आपको उसे खाने का मन कर रहा हो ना तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर ये जो पेरी पेरी टोस्ट हम बनाने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए पेरी पेरी मसाला। अभी जो पेरी पेरी मसाला है ये वैसे तो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आज हम ये देखने वाले हैं कि आप इस पेरी पेरी मसाला को घर पर कैसे बना सकते हो। तो ये जो पेरी पेरी मसाला है इसको घर पर बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक हवानदस्ता यानी कि एक पेस्टल में ऐड करना है 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून ओरेगानो, 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड, 1 टीस्पून पाउडर्ड शुगर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके इन सारे मसालों को हम अच्छे से कूटेंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये जो चिली फ्लेक्स है, ओरेगानो है या साइट्रिक एसिड वगैरह है, ये आपको किसी भी मॉल में से या सुपरमार्केट में से आसानी से मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर हमारे जो पेरी पेरी मिक्स है ये बनके रेडी हो चुका है। तो आप इस पेरी पेरी मिक्स को एक एयरटाइट कंटेनर में 2-3 महीने के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक बाउल में लिया हुआ है 1/2 कप मेयोनीज। मैं यहाँ पर एगलेस मेयोनीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून पेरी पेरी मिक्स। अगर आप इसको और तीखा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर और पेरी पेरी मिक्स इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इन दोनों को अच्छे से एक बार मिला लेते हैं और अब ये देखिए यहाँ पर जो पेरी पेरी मेयोनीज है ये बनके रेडी हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर 2 ब्रेड की स्लाइसेस ली हुई है। मैं यहाँ पर वाइट ब्रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहो तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसकी एक तरफ हमें लगाना है बटर और अब ये जो बटर वाली साइड है ना उसको आपको नीचे की तरफ रखना है। यहाँ पर इन दोनों ब्रेड पर मैंने बटर अप्लाई कर लिया है। तो अब ये जो ब्रेड की दूसरी साइड है ना उस पर हमने जो पेरी पेरी मेयोनीज बनाया हुआ है ना वो हम इसमें लगाएंगे। यकीन मानिए ये जो पेरी पेरी मेयोनीज हमने घर पर बनाया हुआ है ना वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस पेरी पेरी मेयोनीज को ब्रेड पर अच्छे से लगाइएगा। फिर हमें यहाँ पर इसमें ऐड करने हैं बारीक कट के ओनियन यानी कि प्याज। फिर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। अब मैं यहाँ पर इसमें डाल रहा हूँ थोड़े से कॉर्न यानी कि मकाई के दाने। आप चाहो तो अपने पसंद अनुसार और कोई सब्जी वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हो। फिर हमें यहाँ पर इसमें डालना है बहुत सारा चीज़। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मोज़रेला चीज़ होता है ना वो बहुत ही फटाफट से और आसानी से मेल्ट हो जाता है और ये जो मोज़रेला चीज़ है ना ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच भी होता है। और बस फिर हमें इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ताकि ये खाने में थोड़ा सा और तीखा लग सके। अब हम इसको बेक करेंगे एक प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका ये टोस्ट बनकर रेडी हो चुका है या नहीं। अगर ये जो चीज़ है ये मेल्ट नहीं हुआ होगा तो आप उसको थोड़ी देर और बेक होने दीजिए। यहाँ पर लगभग 12 मिनट हो चुकी थी और ये जो पेरी पेरी टोस्ट है ये अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखो इसका ये जो चीज़ है ये ऊपर से काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ज़रा ये सुनो ये जो इसके नीचे की साइड है ना ये कितनी क्रिस्पी बनी हुई है। इसको हम एक बार तोड़ कर भी देख लेते हैं। इसकी आवाज़ सुनकर आपको पता चल रहा होगा कि ये खाने में कितना क्रिस्पी बना होगा। अब ये जो टोस्ट है ना इसको ओवन के अंदर बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसको तवे पर कैसे बनाएं? तो पहले तो आपको ब्रेड की एक तरफ ही थोड़ा सा बटर अप्लाई करना है। फिर ब्रेड की जिस साइड पर आपने बटर लगाया हुआ है ना वो वाली साइड को आपको एक तवे या फिर एक पैन के ऊपर रखना है। बस फिर हमने पहले जैसे सारी चीज़ें इसके ऊपर लगाई हुई थी ना वो ही सारे स्टेप्स हमें यहाँ पर वापस फॉलो करने हैं। तो पहले आपको इसके ऊपर लगाना है पेरी पेरी मेयोनीस। फिर हम इस पर डालेंगे थोड़े से ओनियन कैप्सिकम और कॉर्न। फिर आपका जितना मन करे उतना आप चीज़ यहाँ पर इसमें डालिए और लास्ट में आपको इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अब यहाँ पर आपको इसको कवर करना है यानी कि इसको ढकना है और यहाँ पर आपकी गैस की फ्लेम जो है ना वो स्लो पर होनी चाहिए और आप इसको स्लो फ्लेम पर तब तक सेकिए जब तक इसका जो चीज़ है ना वो ऊपर से मेल्ट नहीं हो जाता।
अब देखो, अगर आप इसको हाई फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर टोस्ट करोगे तो क्या होगा कि जो ब्रेड है ना वो नीचे से जल जाएगा, लेकिन ऊपर का जो चीज़ है ना वो उतना अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसे स्लो फ्लेम पर ही टोस्ट करें, ताकि जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो जाए और नीचे का जो ब्रेड है ना वो भी अच्छे से टोस्ट हो जाए। अब ज़रा ये देखो, हमारा ये जो पेरी पेरी टोस्ट है इसके ऊपर का चीज़ काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और अब इसकी पीछे की तरफ भी हम देख लेते हैं कि ये नीचे से सिक चुका है या नहीं। तो ये देखो, इसके नीचे की तरफ भी बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आया है, और इसको एक पैन में बनाने के बावजूद भी ये इतना क्रिस्पी बना हुआ है। तो आपको ये दोनों मेथड में से कौन सी मेथड ज़्यादा अच्छी लगी, इसके बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए।